आज हमें मौका मिला है रेलवे इंजन की सवारी का, यानी फुट प्लेटिंग का। आप सोच रहे होंगे ये इंजन कहाँ जा रहा है। ये इंजन आपको एक ऐसी चीज दिखाएगा जिसे आपने न देखा होगा न सुना होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरीके से नई लाइन बनाई गई है, और ये नई लाइन सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न घाट की तरफ जा रही है। ईस्टर्न घाट वो पहाड़ है जो ऊंचे पहाड़ हैं, 980 मीटर की ऊंचाई तक हैं, और एक तरीके से रेलवे के लिए बाधा हैं। और ये नई रेलवे लाइन बनाई गई है, और यह रेलवे लाइन ओबुलावारीपल्ली और वेंकटचलम के बीच बनाई गई है। नई लाइन है ये, इलेक्ट्रिफाइड नई रेलवे लाइन, रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। यह नई रेलवे लाइन दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों को रायल सीमा से सीधा सीधा जोड़ती है। नई रेलवे लाइन 93 किलोमीटर लंबी है, और ये रेलवे लाइन एक ऐसी टनल की तरफ जा रही है जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे। इस लाइन को बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया गया, अगर उसकी बात करें तो 1993 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। इसके लिए रेलवे ने 891 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण किया है। इस नई रेलवे लाइन पर 23 मुख्य पुल हैं, 123 छोटे छोटे पुल हैं, 60 सबवेज बनाए गए हैं। यहाँ से देखिए किस तरीके से रेलवे लाइन मुड़ रही है, और बड़ी तेजी से मुड़ती हुई उन्हीं पहाड़ों की तरफ जा रही है। ईस्टर्न घाट के पहाड़ हैं, और ये जो पहाड़ हैं ये तिरुपति तक जाते हैं। और खास बात यह है ये सेवन हिल्स हैं, और ये सेवन हिल्स अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये रेलवे के लिए बाधा थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन अपने आप में खास है, क्योंकि यह रेलवे लाइन ईस्टर्न घाट के पहाड़ों को चीरती हुई बनाई गई है। अब हम उस टनल की तरफ जा रहे हैं जो इस रूट पर पहली टनल है, और ये टनल अपने आप में खास है। देखिए किस तरीके से इंजन बड़ी तेजी से पहली टनल की तरफ जा रहा है, और ये टनल, आइए हम अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल जस्ट वहां पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सामने जो है हमारे सुरंग है, रेलवे की सुरंग, एक खास सुरंग। आइए किस तरीके से अंदर जा रहे हैं हम, और मुझे भी ऐसा लगता है कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा, कुछ अलग ही अनुभव होगा। और ये देखिए हम मुहाने पर आ खड़े हुए हैं, और ये देखिए काफी तेजी से हम अंदर जा रहे हैं, और ये रेलवे लाइन मालगाड़ी इस पर चलती है, इसको देख सकते हैं। ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं, वाह हम अंदर पहुंच चुके हैं, और इस टनल का दूसरा हिस्सा भी यहाँ से दिख रहा है। 1 किलोमीटर लंबी ये टनल है, और एक खास तरीके की टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। हॉर्स शू शेप में है, यानी घोड़े के नाल के शेप में है, क्योंकि इससे मजबूती काफी रहती है। और पूरी की पूरी टनल अपने आप में LED से प्रकाशित की गई है, और इसमें पास में ही जगह भी छोड़ी गई है जिससे दूसरी लाइन भी पड़ सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की टनल है, और इसमें जगह जगह सिग्नलिंग की अगर बात करते हैं, सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो मॉडर्न सिग्नलिंग है, एडवांस सिग्नलिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरी टनल के अंदर तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर मालगाड़ियाँ चलने लगी हैं, और ये खास तरीके का इंतजाम किया गया था रेलकार का, जिससे हम इस टनल के, आप देखिए अब टनल से बाहर आ रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से ये बाहर आ चुके हैं। वाह, टनल के अंदर जाना और टनल से बाहर निकलना अपने आप में काफी रोमांचकारी है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिफाइड टनल को भी हम आपको दिखाएंगे